हाल ही में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की महिला शाखा ने सनी लियोनी के नए कॉन्डम एड पर विरोध जताते हुए उस पर बैन लगाने की मांग की थी। महिला शाखा का कहना था कि सनी के ऐसे एड को देखकर महिलाएं बहुत शर्म महसूस करती हैं। सनी ने इस कंट्रोवर्सी पर चुप्पी तोड़ दी है। सनी का कहना है, इंडिया के बारे में जो सबसे महान चीज है वो यहाँ का जनतंत्र और बोलने की आज़ादी है। लोग मेरे खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं, लेकिन सिर्फ सरकार ही इस बात का फैसला कर सकती है कि लोगों के लिए क्या सही है। सनी लियोनी के पास अभी तक तकरीबन 10 विज्ञापन हैं और उनके मुताबिक वो जिन चीजों में विश्वास करती हैं उन्हीं को एंडोर्स करती हैं। सनी लियोनी ने कहा, जब भी मैं कोई ब्रांड साइन करती हूँ तो उसकी नैतिक जिम्मेदारी लेती हूँ। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी बच्चे को पैदा करके दुनिया में लाना। कोई भी कपल परिवार की प्लानिंग तभी करता है जब उसे लगता है कि वो बच्चे की जिम्मेदारी संभालने के लायक हो चुका है। महिला विंग संगठन का कहना है कि टीवी चैनल्स पर दिखाए जाने वाले इस तरह के ये एड माँ, बहन, पत्नी या बेटी के लिए असहज स्थिति पैदा करते हैं। एड में एक्ट्रेस बहुत ही बुरे तरीके से पुरुष को कॉन्डम का इस्तेमाल करने के लिए एक्साइटेड करती हैं। ऐसे में पार्टी ने सरकार को सनी लियोनी के विज्ञापन पर रोक लगाने के लिए एक हफ्ते का समय दिया है। अभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की चटपटी न्यूज़ देखने के लिए। फिर मिलेंगे मसालेदार खबरों के साथ। बाय बाय।